अविश्वास का प्रस्ताव आ गया तो इसका मतलब है कि उस सरकार के प्रति अविश्वास है, और जब तक सरकार विश्वास नहीं प्राप्त कर ले सदन का तब तक उनको कोई भी सरकारी कामकाज नहीं करना चाहिए। यही परंपरा रही है इस सदन की, और उस परंपरा को तोड़ के ये पूरे संसदीय प्रणाली को बुलडोज करना चाहते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए कि जो इस सदन का नेता है वो सदन में आने से घबरा रहा हो। भाई हम लोग की कोई मांग ये तो है नहीं, हम लोगों की मांग थी कि मणिपुर की जो घटना हुई उस पर प्रधानमंत्री जी आए और सदन को अवगत कराए और फिर हम लोग चर्चा करेंगे। पूरा प्रधानमंत्री जी को फुर्सत है, पूरे देश का पर्यटन कर रहे हैं, लेकिन सदन में आने का टाइम नहीं है उनको। ये ऐसा लोकतंत्र तो हमने देखा ही नहीं, ये आज तक अभी नहीं हुआ। भाई इसमें हम लोगों ने हमको भी तीन बार इसके पहले सदन में रहने का मौका मिला है। अटल जी भी प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सदन में आते थे, हर दो दिन तीन दिन चार दिन पर आके सदन में बैठते थे, सुनते थे। ये तो आज तक सदन शुरू होता है, एक बार आते हैं और सदन समाप्त होता है तब जाते हैं। ये कौन सा लोकतंत्र आप चला रहे हैं? सारा इतिहास अपने नाम लिखना चाहते हैं। ये सदन चलता है परंपराओं पर, ये सदन चलता है नियमों से। न इनके लिए नियम का कोई मतलब है, न इनके लिए परंपरा का कोई मतलब है। ये सिर्फ बहुमत के आधार पर बुलडोज करना चाहते हैं। मुझको स्मरण है स्वर्गीय आदरणीय अटल जी का के समय में भी अविश्वास का प्रस्ताव आया था, और अटल जी ने कहा कि अविश्वास आ गया है, पहले इस पर चर्चा कर लो। उनकी सरकार गिर गई लेकिन उन्होंने चर्चा कराई। आप आज कह रहे हैं कि हम बहुमत में, अरे बहुमत में रहिए चाहे अल्पमत में रहिए, ये तो सदन तय करेगा ना। विश्वास प्रस्ताव गिरेगा कि विश्वास प्रस्ताव पास होगा ये तो सदन में होगा, और माननीय अध्यक्ष जी ने इसको स्वीकार किया है।